माई चैनल एंड आज का वीडियो इज़ वेरी एक्साइटिंग फॉर ऑल ऑफ यू. सो आज का वीडियो इज़ अ हॉल वीडियो. टाइटल में आपने देख ही लिया होगा, इट्स अ क्लब फैक्ट्री हॉल. सो विदाउट टॉकिंग टू मच, लेट्स जस्ट डाइव इन टू दिस हॉल. एंड आई हैव डन लाइक फ्यू वीडियोज ऑन क्लब फैक्ट्री. इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, आई विल गिव यू द लिंक एट द एंड ऑफ द वीडियो एंड आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं. सो लेट्स सी वॉट ऑल इट्स अबाउट. आई हैव लाइक, इस बार मैंने एक पूरा ऊपर से नीचे तक का पूरा आउटफिट ऑर्डर किया है. इट्स लाइक एवरीथिंग, ज्वेलरी, चश्मा, बाल, ड्रेस, या बाल एंड शूज, दे ऑल आर फ्रॉम क्लब फैक्ट्री, इवन अ बैग. सो आई एम सुपर एक्साइटेड टू शो यू गाइज व्हाट आई हैव गॉट. सो विदाउट टॉकिंग टू मच, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट थिंग आई ऑर्डर्ड आर दीज. ओके, इट्स अ थिक with shallow mouth pointed shoes. These are pink shoes. I've seen one of the videos and I'm very much impressed with the quality as they guys have discussed. So like, I'm super excited for this and this is priced for 867 rupees. That's how they came to me. Always Club Factory is very good at their packaging and that's how the packet looks like. This is a Ziploc polythene. It actually came out. लगता है ज़्यादा तारीफ कर दी मैंने. सो दीज आर द हील्स. सो ऐसी लग रही हैं, दीज आर सो प्रिटी, कलर बहुत अच्छा है बेसिकली एंड वो भी है, पॉइंटेड भी हैं. मुझे पॉइंटेड हील्स ज़्यादा पसंद हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल वंस. आई डोंट नो वाई बट आई लव दैम. ओके, सो क्लब फैक्ट्री के हिसाब से थोड़ी सी प्राइजी हैं बट आई थिंक इनकी जो क्वालिटी है एंड देयर डिज़ाइन इज़ वर्थ इट. सो यू कैन डेफिनेटली स्पेंड दिस मच अमाउंट ऑन दीज सॉर्ट ऑफ हील्स बिकॉज मुझे लगता है कि अगर ज़्यादा सस्ता सामान आप क्लब फैक्ट्री से ऑर्डर करते हैं इन टर्म्स ऑफ कपड़े या फिर शूज़ तो उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है. आई हैव लाइक रियली बैड एक्सपीरियंस विद क्लब फैक्ट्री इन द पास्ट बट आई केम टू नो नाउ कि अगर आप अच्छे से उसके सारे रिव्यूज़ पढ़ें, पिक्चर्स को देखें जो कि कस्टमर्स ने पोस्ट किया है, साथ ही थोड़ी सी अगर आप प्राइस ऊपर चेक करेंगे ना तो आपको अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी. सो ये वाली जो हील्स हैं बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल हैं. अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं देन आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक दैट आउट. सो जो अगली चीज़ मैंने ऑर्डर की थी दैट इज़ चश्मा. लेट मी शो यू, लुक एट दिस. इसका जो कलर है दैट इज़ ब्लू एंड ये बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है एंड इट्स प्राइस इज़ 392. आई नो इट्स अ बिट प्राइजी, यू कैन गेट लाइक 100 रुपीज़ सन ग्लासेज एंड 150 रुपीज़ सन ग्लासेज इन एनी मार्केट बट आई थिंक द क्वालिटी इज़ रियली गुड. एक्चुअली क्लब फैक्ट्री में बहुत सारे ऐसे थे जो कि 100 रुपये में, आई थिंक लाइक 150 रुपये में थे, 200 रुपये में थे बट मैंने ये चूज़ किया बिकॉज इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है. सीरियसली ट्रस्ट मी, इसकी क्वालिटी बहुत बेटर है उन 100 रुपये और 200 वाले चश्मे से. उनकी जो ये वाली चीज़ें होती है ना, लाइक उनका जो फ्रेम होता है बहुत हल्का होता है बट इसका फ्रेम काफ़ी हैवी मेटल है. ऑब्वियसली दीज आर लाइक रिफ्लेक्टर्स. सो और इसका जो शेप है दैट एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्स माई फेस लुक. सो कुछ ही ऐसे सनग्लासेस हैं जो कि मेरे फेस पे सूट करते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ दोज एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस. इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था एक्चुअली बट उससे बहुत अच्छा आया है. सो या आई एम वेरी मच हैप्पी. जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप थोड़ा सा लाइक अपना बजट इंक्रीज करते हैं ना क्लब फैक्ट्री पे तो यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ स्टफ विच इज़ रियली गुड. सो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि क्लब फैक्ट्री से सामान ऑर्डर करें और ज्वेलरी ना मंगाएं. सो आई हैव वन ज्वेलरी पीस टुडे, मैंने ज़्यादा नहीं मंगाया है. इसके अंदर है लाइक 3 हूप इयरिंग्स, एक जो मैंने पहने हुए हैं, दो ये वाले पैर्स हैं, एक इससे छोटे हैं एंड एक इससे बड़े हैं एंड उनकी भी जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है एंड दे आर प्राइस फॉर 142 रुपीज़. इसका इसमें 3 स्टार्ट्स भी हैं, वन इज़ लाइक पर्ल, वन इज़ सिंपल गोल्डन मेटालिक वंस एंड दो जो एक जो है वो नग वाले हैं. सो लाइक राइनस्टोन्स आर ऑलवेज कूल बट जो हुप्स की क्वालिटी है दैट इज़ अमेजिंग. इनके लॉक इतने अच्छे नहीं हैं हुप्स के बिकॉज वो ऊपर नीचे होता रहता है बट आई थिंक द डिज़ाइन एंड क्वालिटी अकॉर्डिंग टू द प्राइस इज़ ग्रेट. मैंने अपने एक्सपीरियंस से एक चीज़ तो सीखी है कि अगर आप कुछ भी ऐसी ज्वेलरी खरीदते हैं जो कि थोड़ी चीप है तो उसे प्लीज़ रोज़ मत पहनो बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपको हार्म करती है. मेरे हाथ में ऐसा हुआ था, अगर आपने मेरा कहीं पहले वीडियो देखा हो. सो एटलीस्ट इतना ध्यान रखें कि जो चीप ज्वेलरी होती है उसे रोज़ रोज़ ना पहने. इट्स लाइक ओकेजन के लिए ठीक है, कभी आपको बाहर जाना है पहन गए फिर घर आके निकाल दो, इतना ही है बस इसका. तो ज्वेलरी तो आपको पता ही है क्लब फैक्ट्री पे अच्छी मिलती है बट व्हाट वी हैव अमेजिंग थिंग फॉर यू, इट्स इज वुमेन फैशन लॉन्ग कर्ली विग्स एंड दिस इज द शेड ब्राउन. आई थिंक मुझे ब्लैक मंगाना चाहिए था एंड दिस इज प्राइस्ड फॉर 326. सो आई थिंक ये एक्सटेंशन काफ़ी चीप हैं अकॉर्डिंग टू दैट. इनका जो क्लिप इन है वो भी काफ़ी अच्छा है, इट हैज़ अ गुड ग्रिप. अब ऑब्वियसली बालों की क्वालिटी तो आप अमेजिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो इतने कम प्राइस में बट इनकी क्वालिटी फिर भी अच्छी है. इनके प्राइस के हिसाब से दे आर कर्ली एंड इनका जो कलर है दैट इज़ मच लाइटर देन माई हेयर कलर. आई शुड हैव ऑर्डर्ड ब्लैक बट
ये है कि पूरे बालों का बन बना के अगर मैं नीचे से इन्हें टक इन करूँगी तो आई थिंक दे लुक गुड, ठीक काफ़ी अच्छी है एंड देयर कर्ल्स आर रियली प्रिटी। सो मेरे बालों में तो सिर्फ एक ही तरह से ये काम कर सकते हैं कि मैं पूरा बन बना लूँ ऊपर यहाँ पे गोल और फिर नीचे से इन्हें टक इन कर लूँ जिससे कि ये सिर्फ साइड से आए तो इट वुड लुक गुड। बट अगर आप लोग जनरली अगर कोई भी हेयर एक्सटेंशन ऑर्डर करते हैं तो प्लीज़ ट्राई टू ऑर्डर ब्लैक, क्योंकि इनका ब्राउन बहुत ज़्यादा लाइट है, बिकॉज आई हैव लाइक नेचुरल ब्राउन हेयर कलर, मेरे बाल ब्लैक नहीं है, बट मैंने उसी के अकॉर्डिंग मंगाया था। बट आप लोग अगर मंगाते हैं तो प्लीज़ गो फॉर ब्लैक वन। सो नेक्स्ट इज अ बैग एंड इट्स अ मैसेंजर शेल्स शोल्डर बैग। दिस इज प्राइस फॉर 193। सो मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी इससे, आई नो कि 193 में आप और क्या चाहते हो, तो बट मैंने फोटो देख के सोचा था कि थोड़ी सी क्वालिटी सही होगी, थोड़ी सी एक्सपेक्टिंग अ लिटिल बिट, बट इसकी क्वालिटी जो है ना वो सबसे बेकार आइटम यही है पूरे हॉल में। लुक, इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसका जो ये स्ट्रैप है, आई नो यार, ओके आई टोटली अंडरस्टैंड कि 193 में इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता है, बट इससे तो मैं इसको लेती ही नहीं ना, दैट वुड बी बेटर। बट अगर आप लोग अगर देखते हैं इसे कहीं पे तो प्लीज़ डोंट बाय, इट्स बेकार है बिल्कुल, किसी काम का नहीं है। सो इसका जो स्ट्रैप है वो भी काफ़ी बेकार है, बट इसका जो लाइक बैग का जो लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज़ गुड। इट्स अ सिंगल कंपार्टमेंट बैग और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, नो चेंज नथिंग, बस ये काइंड ऑफ काम चलाऊ बैग है, आप किसी बच्चे को दे दो वो खुश हो जाएगा, इट्स अ काइंड ऑफ दैट थिंग। सो दिस इज़ द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग थिंग इन द होल लाइक हॉल, बट यू नो ये भी मैंने सोचा ही नहीं कि इट शुड बी लाइक दैट। सो इतने में इतना ही, आई डोंट नो, इसे तो मैं कुछ और खरीद लेती तो बेटर रहता। अगर आप लोग देखें इसे तो प्लीज डोंट बाय, इट्स अ बिग नो फ्रॉम मी। वी हैव टू मोर थिंग्स, वन इज अ हेयर एक्सेसरी एंड अ ड्रेस। सो सबसे पहले हेयर एक्सेसरी देख लेते हैं, ड्रेस लास्ट में देखेंगे। सो इट्स अ मिक्स एलिगेंट पर्सनैलिटी प्लेट हेयर ब्रेड दैट इज प्राइस्ड फॉर 85 रुपीज, एंड ये मैंने ब्राउन ऑर्डर किया था, बट इसका जो ब्राउन है दैट एक्चुअली मैचेस माई हेयर कलर, लुक इट एक्चुअली डज, और इसका जो ब्राउन है दैट इज प्रिटी डिफरेंट। सो कुछ चीज़ों में आपको सही मिल जाएगा एंड कुछ चीज़ों में इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। सो ये वाला जो है इसका क्वालिटी भी अच्छा है, इसका हेयरबैंड का भी क्वालिटी काफ़ी अच्छा, जल्दी से टूटेगा नहीं, इट्स प्रिटी फ्लेक्सिबल सॉफ्ट प्लास्टिक है, एंड ये जो ब्रेड है आई जस्ट एब्सोल्युटली लव दिस। मेरे बाल हल्के हैं तो मैं ऐसा हेयरस्टाइल बना नहीं पाती हूँ, सो आई थिंक दिस इज सो परफेक्ट, आपको कहीं भी जाना है जस्ट पुट दैट एंड यू लुक गुड, आई थिंक सो। लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज़ दिस, एंड इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, अकॉर्डिंग टू द प्राइस इट्स कूल, इट्स अ कूल डील, एंड इसमें जो कलर है वो ब्राउन है, आप इसमें ब्राउन या फिर ब्लैक ऑर्डर कर सकते हैं, बट वो हेयर एक्सटेंशन का कलर इज कम्प्लीटली डिफरेंट देन माई हेयर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग आई एम हैविंग हियर इज दिस। जो कपड़े और जूते लोग देते हैं वो इसी टाइप की पैकेजिंग में आपको मिलेंगे, यू कैन ईजिली स्टोर इट। सो दिस ड्रेस इज प्राइज्ड फॉर 819 रुपीज, एंड इसका जो नेक है वो काफ़ी डीप है, एंड इसके स्लीव्स आर रियली प्रिटी, दे हैव क्रोशेड एज वेल एज लेस डिज़ाइन। सो मैंने सोचा था कि जो लेस आएगी बहुत सॉफ्ट आएगी, इट वुड बी लाइक समर फ्रेंडली, बट इसका जो मटेरियल है दैट इज़ प्योर पॉलिएस्टर। इसके साथ आपको ये इनर भी मिलता है वाइट कलर का, बिकॉज यू कांट वेयर इट लाइक दैट। सो नीचे इनर पहनेंगे और उसके ऊपर वो, एंड द ड्रेस इज कम्प्लीट एंड इट्स प्राइस फॉर 819 रुपीज़। ओके, तो मैं क्या बोल रही थी कि मैंने सोचा था कि इट वुड बी सॉफ्ट एंड नाइस फॉर समर्स, बट ऐसा नहीं है, इट्स अ पॉलिएस्टर मटेरियल। अगर आप लोग समर के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो डोंट ऑर्डर क्लोथ्स फ्रॉम देयर आई थिंक, बिकॉज मैंने आज तक जितना भी ऑर्डर किया है सब ऐसा ही निकला है। सो जस्ट टेक केयर कि ऐसी वेबसाइट शीन हो गया, क्लब फैक्ट्री हो गया, इनसे गर्मी कपड़े मंगाने इज़ अ टोटल वेस्ट फॉर मी, बिकॉज मैंने आज तक जो कुछ भी मंगाया मुझे हर चीज़ में गर्मी लगती है, फिर पॉसिबल है कि मुझे ही ज़्यादा गर्मी लगती है। बट इसका जो मटेरियल है दैट इज़ नॉट समर फ्रेंडली एट ऑल, ये अक्टूबर नवंबर सितंबर में आराम से पहन सकते हो, बट नॉट फॉर दिस सीजन। कपड़ा थोड़ा सा लाइक बर्दाश्त करना पड़ता है, बट द लुक्स आर रियली अमेजिंग, आई एब्सोल्युटली लव दिस। सो दैट्स प्रीटी मच, दैट्स व्हाट आई हैव ऑर्डर फ्रॉम क्लब फैक्ट्री, एंड इस बार जो चीज़ें आई हैं आई एक्चुअली लव देम, एंड मेरी फेवरेट चीज़ें हैं दी शूज, दिस ड्रेस एंड चश्मा। या आई थिंक ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, दिस टाइम द रिव्यू इज़ गुड, बस ट्राई करो कि थोड़ा बजट बढ़ाओ एंड देन यू कैन गो टू क्लब फैक्ट्री। चीप मंगाओगे तो यार इट्स नॉट अ गुड क्वालिटी, एक्सपेक्ट कर रहे हो गुड क्वालिटी देन यू कैन गो फॉर अ लिटिल हायर प्राइस। इतना ही कहना चाहूँगी, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉयड। सो या टिल देन टेक केयर, एंड ऑल्सो मुझे एक और चीज़ बतानी है आप लोगों को, अगर आप कोई भी होम का या फिर किचन का कुछ सामान मंगाते हैं वहाँ से, तो जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, जितना वीडियोज़ में देखा है, आई थिंक आई शुड शेयर इट विद यू, तो वो चीज़ें बहुत छोटी आती हैं, जैसे पिक्चर्स में दिखाई देती हैं उतनी बड़ी कभी आती नहीं है। सो आई डोंट रिकमेंड यू बाइंग दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देयर, बट ज्वेलरी शूज़ एंड ड्रेसेज आर ऑल्सो गुड, यू कैन चेक सनग्लासेस, या आई एम
मैं बहुत शॉक्ड हूँ इस बार सनग्लासेस को देख के. सो आई थिंक दिस ऑल स्टफ इज़ रियली कूल. इस तरह की चीज़ें आप वहाँ से मंगा सकते हैं, बट एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बड़ी मत रखिएगा बिकॉज चीज़ें बहुत छोटी आती हैं कभी कभी. सो यहाँ दैट्स प्रीटी मच इट. ओके अब नहीं बोलूंगी कुछ भी. सो इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन गिव दिस वीडियो अ ह्यूज थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टेल मी इन द कमेंट्स व्हाट एल्स यू वांट टू सी. टिल देन टेक केयर, बाय.